लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस बार मैं तुम्हें जरूर कहीं दूर दूर घुमाने ले जाऊंगा। रहने दीजिए, सौतन घुमाने देगी तब ना। सौतन मतलब आपकी ड्यूटी। देखो 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 ना वो लवली। क्या उस पहाड़ पे बरसात में एक रात उस झोपड़ी में गुजारे? तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? नहीं। नमस्कार नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह साहब, आपका और भाभी जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं आपके आ जाने से वो दूर हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? कलेक्टर भीम सिंह ने शहर के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। थैंक यू सर। जी हुजूर, आप ठंडा लेंगे या गरम? ऐसा करिए, आप ठंडा दे दीजिए और आप गरम दे दीजिए। पूरे 3 लाख रुपए हैं। कूल, वेरी कूल। जी आप साहब, झूंगा पहाड़ के नीचे एकदम नदी किनारे 20 एकड़ जमीन है मेरी, एकदम हार्ड प्रॉपर्टी, मैंने आपके नाम कर दिए साहब। मिस्टर सत्यदेव सिंह, सर भीम सिंह के बारे में आपने जो खबर दी है वो सही है? सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भीम सिंह के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सही है। सर मैं पर्सनली भीम सिंह जी को जानता हूँ, वो एक ईमानदार ऑफिसर है और बहुत अच्छे इंसान है। सर मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ? इतने अच्छे इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। कलेक्टर साहब, मेरा साला शहर के बीचों बीच एक शानदार क्लब और होटल बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ शांति बेन अनाथ आश्रम आड़े आ रहा है। आप लोग मेरी पोजीशन का बहुत फायदा उठाते हैं। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। खैर जी, फायर ब्रिगेड राजा राम जी, मैं कलेक्टर भीम सिंह बोल रहा हूँ। वो लाल चौक में शांति वैन अनाथ आश्रम है ना, वहाँ आग लग गई है। ओहो, लगी नहीं, यूं समझिए कि लग जाएगी। आप आराम से अपना फायर इंजन लेके 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँच जाइए। तेरा काम तो हो गया। अरे ये सब भीम सिंह जी की मेहरबानी है। बोल लालू कसाई, कलेक्टर की कुर्सी के आड़े ये भीम सिंह और कौन कौन से धंधे करता है? कौशल्या कौशल्या, ठाकुरों के यहां हमेशा बेटे पैदा होते हैं। हमारी 7 पुश्तें दूसरों की बेटियां विदा करवाकर जरूर लाई, लेकिन हमारी चौकट से कभी डोली नहीं उठी। तुमने भी वही परंपरा कायम रखी है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट दे दी है, शादी के 14 साल के बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा, मेरा बेटा। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, आजकल बेटों की खुशी और बेटियों का दुखड़ा कोई नहीं रोता।
दुनिया में कौन सा ऐसे बड़े से बड़ा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? मेम साहब, एक कमरा पहले ही खिलौनों से भरा पड़ा है और साहब इतने सारे और ले आए हैं, इन्हें कहाँ रखूं? मेरे बेडरूम के साथ वाले कमरे में रख दो। बेटे के लिए तुम्हारी दीवानगी जुनून की हद को भी पार कर चुकी है। मेरी दीवानगी तो तुम हो कौशल्या, और हमारा जुनून होगा हमारा बेटा। मैम साहब कहाँ हैं? जी अंदर हैं। दो दो तोहफे आज मेरे लिए। अरे तुम जो मुझे दो दो तोहफे देने वाली हो तो उन तोहफों के लिए ये तोहफे लाया हूँ। अच्छा। क्यों जी, क्या एक बच्चे की खुशी काफी नहीं है इस घर के लिए जो तुम जुड़वा की उम्मीद लगाए बैठे हो? तो इसलिए गंगा कि मैं जानता हूँ कि एक बच्चे को जन्म देने में औरत को कितने कष्ट होते हैं। अच्छा। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में इस दर्द को दोबारा सहो। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें जुड़वा बच्चे हो गए तो तुम उनका नाम क्या रखोगे? एक का नाम श्याम और दूसरे का घनश्याम। एक सच बात कहूं गंगा, तुम मेरी शक्ति हो। अरे आज तो भक्ति की रात है, तुम अचानक शक्ति की ओर कहां चल दिए? गंगा, दिवाली की आज की ये रात काला बाजारी और जनता को धोखा देने वालों की बही खातों की पूजा करने की आखिरी रात है। कल उन पर कहर बनकर जो टूटेगा उसका नाम है सीबीआई अफसर सत्यदेव सिंह। धोखाधड़ी और घोटालों के सिलसिले में मैं जिन लोगों को गिरफ्तार कर चुका हूं कलेक्टर साहब, वो बेचारे तो हमारे फर्स्ट डिग्री इलाज पर ही तोते की तरह बोलने लगे हैं। मुझे एक इत्तला मिली है कलेक्टर साहब कि उनके साथियों का एक जत्था आपके पास फरियाद लेकर आया था। इन सारी साजिशों के पीछे जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके शहर पर इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, वो आप हैं कलेक्टर भीम सिंह। आप कुछ ठंडा लेंगे या गरम? हमारी भाषा में ठंडे का मतलब है हार्ड कैश और गरम का मतलब हॉट प्रॉपर्टी। वाह, रिश्वत का यह नया अंदाज मुझे पसंद आया। ऑफिसर, तुम क्या समझते हो कि धोखाधड़ी और घोटालों के केसेस का रुपया वापस गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा? नहीं, एक केस के बाद दूसरा केस खुलेगा, दूसरे के बाद तीसरा। हर केस के लिए एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। छोड़ो इन दुकड़ों को और अपनी सोचो, अपना ही दर्द मिटा लोगे तो बहुत बड़े हमदर्द बन जाओगे। नहीं नहीं, मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं कलेक्टर साहब। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद अपनी पहली तनख्वाह से मैंने 6 मीटर कफन का कपड़ा खरीद लिया था, और आज तुम जैसे देशद्रोहियों को कुचलने के लिए मैं वही कफन अपने सर पर बांध कर यहाँ आया हूँ। तुमसे पहले इस शहर में सरफरोशी के नारे लगाने वाले पता नहीं कितने ही पुलिस ऑफिसर आए, भौंके और बेमौत मारे गए। बड़ों की सलाह मानो, अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा लो। कलेक्टर साहब, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर मैं खुद तुम्हें इसी शहर में गिरफ्तार कर लूंगा। अपने वफादार कुत्तों को जरा होशियार कर देना कि वो अभी से तुम्हारी पहरेदारी शुरू कर दें। ये लो धनसुख, ये तुम सब लोगों के लिए। लेकिन सरकार, अभी पिछले हफ्ते तो आपने हमें दिवाली दी थी, कहीं आप भूल तो नहीं गए? अगर आप लोगों से मैं अपने होने वाले बेटे के लिए दुआएं ना लूं तो भूल होगी, मेरे खानदान का वारिस आने वाला है। अच्छा? हाँ हाँ, आपको तो वारिस मिल जाएगा कलेक्टर साहब, पर हम लोग लावारिस हो जाएंगे, उसका क्या? क्या हो गया भाई? इस शहर की सारी बिजनेस कम्युनिटी मेरे घर में भूचाल की तरह कैसे आ गई? तो क्या अभी तक भूचाल की खबर आप तक नहीं पहुंची? सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह ने ठेकेदार सिंह, कालू कसाई और राघवन के सारे कारोबार का भांडा फोड़ दिया है,
और मैंने सुना है वो सच्चाई इस तरह उगलवाता है जैसे तोते का गला दबा दो तो वो टें टें करने लगता है। आप कुछ करो साहब, अब तो फांसी का फंदा हमारे गले के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। इस फंदे में लटक कर हम अकेले नहीं मरेंगे कलेक्टर साहब, आप जल्दी कुछ कीजिए वरना आप जैसे हमारे धंधे के पार्टनर वैसे फंदे के पार्टनर। खामोश, वरना जबान खींचकर हलक से अलग कर दूंगा। मैं उतना अनजान नहीं हूं जितने तुम लोग बेवकूफ हो, मुझे सब कुछ मालूम है। अब वो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा क्योंकि उसकी जंग उन तीनों के साथ खत्म हो चुकी है और अब उसकी टक्कर कलेक्टर भीम सिंह से होगी, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो कल आ रही है स्पेशल टास्क फोर्स कलेक्टर भीम सिंह को गिरफ्तार करने। एक रात काफी है सत्यदेव सिंह और उसके परिवार का एनकाउंटर करने के लिए। पर सर, हम लोग ये एनकाउंटर करेंगे कैसे? अब वो दिन आ गए हैं जब पुलिस वालों का एनकाउंटर करना मुझे सिखाना पड़ेगा। वाह कलेक्टर साहब वाह, निर्दोष और ईमानदार इंसानों के खून से अपने हाथ रंगने वाला मेरा पति नहीं हो सकता। तुम्हारी दौलत, वो शान और शौकत, तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई नहीं पाप की कमाई है। इतना बड़ा पापी मेरा पति नहीं हो सकता। आज जब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है तो आज मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुम्हारी पाप की दुनिया से दूर जा रही हूं। मैं तुम्हारी परछाई तक अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे दूसरों के खून से आटा गूंथकर उसका निवाला अपनी संतान के मुंह में नहीं डालना है। मैं जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती कौशल्या। मेरे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं सरकारी कामकाज की बारी किया तुम्हें समझा सकूं। जिस बात का मैं फैसला कर चुकी हूं उस बारे में मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती। अरेस्ट कर इन्हें, बाइज्जत ले जाकर सरकारी गेस्ट हाउस में नजरबंद रखो। जब तक मेरा होने वाला बेटा मुझे नहीं मिल जाता तुम वहीं रहोगे कौशल्या। सत्यदेव सिंह है सर, मैं शर्मा बोल रहा हूं। हाँ बोलो शर्मा, क्या बात है? सर, इस गद्दार कलेक्टर भीम सिंह को खबर मिल चुकी है कि आज देर रात स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पहुंचेगी। इस कमीने ने पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ मिलाकर आज ही रात आपका एनकाउंटर करने का ऑर्डर भी दे दिया है। What? सर, ये भूल गया कि वर्दी के लिए वफादारी और ईमानदारी आज भी जिंदा है। मैंने स्पेशल फोर्स को अलर्ट कर दिया है सर। इससे पहले कि इसका हाथ उठे हम इसकी कलाइयों में हथकड़ी पहना देंगे। सर, कलेक्टर भीम सिंह इस वक्त कहाँ है? गंगा किनारे वाले सरकारी आउट हाउस में, जहाँ उसने अपनी बीवी को नजरबंद कर रखा है। सर, शर्मा बी रेडी टू अटैक। ओके सर। दूध का गिरना अपशगुन होता है, घर से बाहर मत जाइए। गंगा, दूध का गिरना अपशगुन होता है लेकिन भीम सिंह जैसे देशद्रोहियों के लिए। जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को हजार हवाले कर दो। दिस इज माई फाइनल वार्निंग। भीम सिंह, गोली चलाने की गलती मत करना वरना चारों तरफ से इतनी गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे जिस्म में सिर्फ सुराख ही नजर आएंगे। नहीं, ये पाप मत कीजिए, ये पाप मत कीजिए। जब दुनिया के सामने आएगा पाप तो तब होगा ना। शोरम, I said shoot him। गोली तो सिर्फ यहीं से चलेगी। What, you give me the gun? क्या किया? अरे मिस्टर, ये क्या कर रही हो?
मेरे पीछे, अपने बच्चों के लिए जियो, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छा पढ़ाना लिखाना। नहीं नहीं, अब पैसे मत दीजिए, अब जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। ना वो ठाकुर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, आप ऐसे मत कहिए, मैं आपको, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। बेचारी बहुत नीक औरत थी, इसके अहंकार की वजह से इसके भी अहंकार करना अच्छी बात नहीं। हाँ बिल्कुल। जाएगा साला वहां पड़ेगा ताला। अरे जीजा जी के खजाने की चाबी तू है मेरे लल्ला। अरे चाबी से अपने मुंह पर ताला लगाकर चुप बैठो जी, जब देखो बीच में बोलते रहते हो। मैं समझाती हूँ अपने लाल को। बेटे कलेक्टर साहब बहुत पुराने घाग हैं, बड़े से बड़ा कमीना उनका भरोसा नहीं जीत सकता, समझा? चिंता में नहीं। अरे मैं किस्मत का मारा बदकिस्मत बंदा, अपनी जीजी को खाना भी नहीं दे सका। मैं उजड़ गया जीजा जी, बर्बाद हो गया। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जीजी की तस्वीर से ये माला हटा दो। मैं जानती हूँ जीजी जिंदा है, मैं जानती हूँ वो इसी घर में है, वो अभी रसोई घर से आएंगी, नहीं तो वो उधर से आएंगी, कहीं ना कहीं से वो आएंगी जरूर, और आके मुझे गले लगाएंगी। रोने से सच्चाई नहीं मिटती पुष्पा, ये सदमा पहाड़ बनकर हम पर टूटा है, हमें मिलकर ही इसे बांटना होगा। मन कर्म
वचन से अपने बेटे का दान दिया, जब आपने इसे कलेजे से लगा ही लिया है तो अब ये आप ही की गोद में पलेगा। पुष्पा, तेरा त्याग देखकर तो तेरे चरण छूने को जी चाहता है। देखिए, अब हम अभागे हो गए हैं, चलिए चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो इन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि इनके बेटे का प्यार बट रहा है। तुम ठीक कहती हो पुष्पा, चलो। चिंतामणि, तुमने मेरे घाव पर मरहम रखी है, मैं तुम्हें इस तरह घायल कैसे भेज दूं? इतना कमजोर इंसान नहीं हूं मैं। हम सब यहां एक साथ ही रहेंगे, एक ही छत के नीचे। जीजा जी, इस घर के जर्रे जर्रे में जीजी की यादें बसी हैं। मेरी एक सलाह मान लीजिए, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। जो पेंसिल तुमने चुराई है ना, उसे लेने श्याम भैया तुम्हारे घर जरूर आएंगे। जा गीता, तेरा घर आ गया। तू क्यों छेड़ता रहता है उस बिचारी को हमेशा? वो बिचारी, तू बिचारा, सिर्फ मैं एक बच्चा आवारा। क्यों छोटे, बस कर, बहुत हो गया। क्या बस कर दूं बड़े? तू बस चुप हो जा छोटे। मैं चुप नहीं हूंगा बड़े। छोटे, बड़े, छोटे, बड़े, खामोश। माँ देखेगी तो क्या बोलेगी। चल। क्या हुआ काका? अरे चिंता की कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, सब ठीक हो जाएगा। माँ का बराबर ध्यान रखना। आइए डॉक्टर साहब, चलिए। क्या हुआ माँ? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है ना, सो जाओ ना। माँ अब तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। हाँ, अरे मैं अगर काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? ये सारे खिलौने बना के कल सुबह गुप्ता जी के वहाँ पहुँचाने हैं, अगर नहीं पहुँचाई तो स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? वो सब देखा जाएगा माँ, तुम बिल्कुल काम मत करो, तुम बस सो जाओ। माँ, माँ अब तुम सो जाओ ना। ठीक है, जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे ना तब मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। देख माँ मेरी मुझे, अब हम बड़े हो गए हैं ना, क्यों श्याम भैया? ममता पे हम होंगे कुर्बान, तेरे दूध की कीमत देंगे देखकर अपनी जान। माँ की ममता पे हम होंगे कुर्बान, तेरे दूध की कीमत देंगे देकर अपनी जान। करेगा काम शाम घनश्याम, तेरे शाम घनश्याम, शाम घनश्याम, तेरे शाम घनश्याम।
टॉयज ने तो पूरी मार्केट पे कब्जा कर लिया है श्याम भैया। ये तुम दोनों की मेहनत और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। लो पैसे। पेटी उठा के लाए सेठ जी, मजदूरी नहीं दोगे? ले यार। श्याम भैया आज मैं बहुत थक गया हूँ, चलो होटल जाके कुछ ठंडा पीते हैं। ठंडा वंडा छोड़, घर चलते हैं। तू गरम पी ले। गुप्ता जी के यहाँ से हमेशा की तरह ऊपर से पैसे लेके तुम गरम हो चुके हो। अरे ये तो मेरी मेहनत की कमाई है भैया। खिलौने मैंने भी उठाए और दो पेटी खिलौने हमें फिर उठाने और वहां ले जाने, समझे? पक्से तो बाद में भी ले जाएंगे भैया, पहले होटल तो चलो। कम ऑन। लीजिए सर। अरे पागल हो गए, दांत तोड़ेगा आपने? हेलो। अरे क्या कर रहे तू? देखने की चीजें देख रहा हूँ यार। घनश्याम साले, अपनी आंखें बंद कर लूँ क्या? अरे टंडन साहब, इस खड़क सिंह की तो अब तक कोई खबर ही नहीं है। कुछ कीजिए मिश्रा जी, वरना एजेंसी वाले अपनी कंपनी को ताला लगा देंगे। अब इस खड़क सिंह के इंतजार के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं? इतनी ऊंचाई से बाइक से जंप मारना कोई मजाक नहीं है, मुझे खड़क सिंह किसी भी हालत में चाहिए। श्याम तू घर चल, मैं आता हूं। सब ठीक है ना? गुड, फंटास्टिक। ये लो। थैंक यू भैया। तुम घर नहीं गए? हाँ मैं घर नहीं गया, तुम्हारा तमाशा देख रहा था। पैसे कमाने का कोई भी मौका मत छोड़ना हा? और इन पैसों से इस ज्वेलरी की दुकान से तुमने क्या खरीदा है? कान का झुमका, गले का हार या कंगन? कौन है वो तुम्हारी महबूबा? भैया जो तुम्हारे दिल में है ना, वो मेरे दिमाग में भी नहीं है। अच्छा अच्छा, दिमाग में भी नहीं है। तू घर चल, फिर माँ के सामने देखते हैं। चल चल अंदर चल। अरे अरे भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं किया है। हाँ हाँ तूने कुछ भी नहीं किया है, तू तो भगवान का अवतार है। देख घनश्याम, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, अभी माँ के सामने सब कुछ बोल दूंगा। हाँ? अरे तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ तू इसे डांट क्यों रहा है, क्या किया है तूने? अरे ये क्या बोलेगा माँ, मैं तुझे बताता हूँ। चंद रुपयों के लेस ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर इसे कुछ हो जाता तो तुझ पर और मुझ पर क्या बीतती, कभी सोचा इसने? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि जान की बाजी लगाकर पैसा कमाना पड़ा? जनाब ने उन रुपयों से ज्वेलरी की दुकान से गहने खरीदे, पता नहीं किस गर्लफ्रेंड के लिए। क्या है ये घनश्याम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ मैंने उस ज्वेलरी की दुकान से ये गहना खरीदा है, ये। ये तुम्हारे बाबूजी का गोल्ड मेडल है, बरसों पहले गिरवी रखा था। तुम दोनों की परवरिश करते करते मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन तुम नहीं भूले। देखा आपके बेटों को आपके प्रति कितना आदर है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। माँ बचपन से बाबूजी की बहादुरी के किस्से सुनते आए हैं, यकीन नहीं आता कि उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। हाँ माँ मुझे भी यकीन नहीं होता। शेर कार के नीचे आकर मर जाए, ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना था। जीजा जी, भगवान जी की नजर यूं ही बनी रहे,
इस शहर में तो दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। अपनी एक्सपोर्ट कंपनी और टीकूट प्लांटेशन के एडवांस डिमांड ड्राफ्ट्स भी आ गए हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी और फूड प्रोडक्ट्स के कुछ चेकों पे हस्ताक्षर करवाने थे आपसे। ये क्या सुबह सुबह बिजनेस की बातें लेके मेरे पास आ गए हो चिंतामणि? मुझे तो इस काम से ज्यादा अपने बेटे मोंटी से प्यार है। कहाँ है वो? जरा सा छुआ था इसे, जोर से मारता तो शमशान घाट में बड़ा होता ही है। हाय हाय, ये बल्ले, ये कल्ले, नजर न लगे मेरे लाल को। ये वो मसल्स है मम्मी, जिन्हें देखकर पूरा कॉलेज थर्राता है। क्या हुआ मोंटी बेटा? ये आवाज कैसी आई थी? कुछ नहीं डैडी, काका के गिरने से जूस की ठेप फिसल गई। बेचारे बुजुर्ग हो गए ना आंटी। काका को गरम गरम हल्दी वाला दूध पिलाया। और फिर डैडी, गलती भी तो मेरी थी, मैंने टेप रिकॉर्डर ऐसी जगह पर लगाया जिसकी तार से उलझकर काका बेचारे फिसल गए। काका आप जाके आराम कीजिए, मैं आपको देखने आता हूँ, चाहिए? इस अंग्रेजी और पॉप म्यूजिक ने तो आजकल के नौजवानों को चरित्रहीन बना दिया है। देखते हैं अपना मोंटी बेटा क्या सुन रहा है सुबह सुबह। संस्कार सिर्फ आप ही के संस्कार लिए है जीजा जी इसने। चिंतामणि, जब मेरा बेटा बोलता है तो जबान उसकी होती है लेकिन अल्फाज मेरे होते हैं। मोंटी बेटा एक बात याद रखना, ठाकुर भीम सिंह के बेटे ने इस शहर में राज करने के लिए जन्म लिया है। जी। श्याम भैया, हम लोगों के कॉलेज में अमीर जादों की औलादों ने पूरा जंगल राज बना रखा है। इनकी नाटक नौटंकी देख के बिना पूछे दो झापड़ मारने का दिल करता है। छोटे, झगड़ा मारपीट सिर्फ उज्जड़ लोग किया करते हैं। अरे हाँ, लगता है कल भूल से गीता मेरा पेन अपने साथ ले गई। ये भूल तो बरसों से चली आ रही है श्याम भैया। गीता तुम्हें मिलकर जब भी घर जाती है तो भूल से कोई ना कोई चीज तुम्हारी जरूर ले जाती है। अगर भूल से उससे ये भूल नहीं हुई तो तुम भूल से उसकी कोई चीज घर ले आते हो और फिर भूल सुधारने के लिए तुम दोनों को एक दूसरे से मिलना पड़ता है। जाओ जाओ जाओ। ठीक है ठीक है। गीता, गीता। अरे कौन हो तुम जो इतनी बेशर्मी से उसका नाम लिए जा रहे हो? जी आप कौन है? मैं उसकी बुआ हूँ और तुम अपने बारे में बताने की तकलीफ उठाओ। देखिए मैं शाम हूँ। अरे शाम हो या सुबह, मुझे उससे क्या मतलब? क्या काम है तुम्हें उससे? जी कुछ नहीं, पर वो कुछ नहीं तो अच्छी बात है। और वैसे भी उसकी शादी मेरे देवर के बेटे के साथ होने वाली है। जी गीता को उसके बारे में पता है? लो और सुनो। अरे गीता की मर्जी से ही तो शादी हो रही है। दर्जनों फोटो रखी थी उसके सामने लेकिन उसने मेरे देवर के बेटे को ही पसंद किया। हाँ। लेकिन लेकिन तुम्हारा उससे संबंध है क्या जो तुम इतना बेचैन हो रहे हो? वो तो गीता ही बताएगी। लो वो क्यों बताएगी? हाँ? उसे तो ये भी नहीं मालूम उसके घाघरे में कपड़ा कितना लगता है, बेचारी की चोटी कितनी लंबी है। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ। लेकिन सुनो सुनो सुनो, कपड़े तो सुखाते जाओ जरा। बुआ, गीता की चोटी कितनी लंबी है मैं अभी बताता हूँ। शाम छोड़ो ना, दर्द होता है। मुझे बना रही थी। बोल शाम से तेरा क्या रिश्ता है? बताती हूँ ना। बोल। अगर शाम नहीं होता तो गीता भी नहीं होती। तेरी तो मैं आज कोई मेरे करीब नहीं आएगा क्योंकि आज मोंटी की रूपा कॉलेज आने वाली है। ये सांड को क्या हो गया? सुबह सुबह कॉलेज में सींग मारता घूम रहा है।
तुम्हारी आदत बहुत खराब है घनश्याम, बस मौका ढूंढते हो लड़ने के लिए। और तुम्हारी आदत अच्छी है कि अभी तुम पढ़ती कॉलेज में हो और रुबाब भाभी का दिखाती हो। हाँ, वो आ रहा है कॉलेज का इतिहास और तुम्हारे रंग बिरंगे दोस्त, हमें माफ करो। क्या आओ मेरे रंग बिरंगे दोस्तों। हाय हाय घनश्याम। हाय यार टीएल, सुना आज की कोई ताजा बुलेटिन? यार आज मेरा मूड खराब है। टीएल उर्फ तरक्की लाल, हम तुम्हें 10 साल से एक ही क्लास एक ही कॉलेज में देख रहे हैं। जब भी इसे कोई भड़काने वाली खबर देनी होती है ना, तो यार इसका मूड खराब हो जाता है। यार टीएल, तुझे देश के बेरोजगारों का वास्ता, जिनकी वजह से तू कॉलेज में बार बार फेल होता है, सुना दे आज की ताजा बुलेटिन। तो सुनो, अभी अभी थोड़ी देर में यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकेगी, जिसमें शहर के सबसे बड़े कंजूस दास साहब की इकलौती बेटी नीचे उतरेगी। वो 3 साल तक अपनी बुआ के पास लंदन में थी और अब हमारी खुशकिस्मती उसे यहाँ खींच लाई है। लो, आगे आ गया कंजूसों का बादशाह। अरे रूपा का बाप दास जी, वो भी खटारा गाड़ी में। समझ गई ना रूपा बेटी, मैंने क्या कहा? हाँ डैड। अबे इंजन खराब करेगा क्या, धीरे चला, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गाड़ी धीरे चलाने को बोला था, बंद करने को नहीं। भाई जी सुनाई दे तब ना, पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए डीजल का इंजन लगा रखा है, वो भी सेकंड हैंड, ऊपर से चोर बाजार का। लाख कोशिश करता हूँ पीछे की बात सुनाई दे, कुछ सुनाई नहीं देता। लो कॉलेज आ गया। यानी कि तू पीछे की बातें सुनने की कोशिश करता है? अजी ड्राइवर की आंखें आगे होती हैं और कान पीछे होते हैं। ठीक है ठीक है। और हाँ बेटी, दूसरी बात, इस कॉलेज के बाकी लड़कों को घास तक मत डालना, क्योंकि अगर तुम उंगली थमाओगे ना तो तुम्हारी बात थाम लेंगे। और इस कॉलेज के लड़कों का तो नारा भी यही है, उंगली पकड़वाओ बाहों का हार ले लो। ये क्या बेटी है, बचपन की शरारतें तेरी अभी तक गई नहीं। बेटी ये कॉलेज है, जरा संभाल कर। नो डिस्टर्बेंस। हाय रूपा। ये क्या रूपा, मुझे चिढ़ाने में तुम्हें बहुत मजा आता है, क्यों? मैं ये चिढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई हूँ लंदन से। इसे पहन के तुम्हें मेरे साथ क्लास में चलना होगा। अगर तुम कहो तो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर इस मास्क को हमेशा के लिए अपने चेहरे पर फिक्स करवा दूँ। ये लड़के कुछ देखने में जरा स्टूपिड से लगते हैं, दूसरे कॉलेज के हैं क्या? नहीं, इसी कॉलेज के हैं। गरीब फटीचर गुंडे मवाली, इन लोगों से जितना दूर रहो इसी में भलाई है। Really? Yes, let's go. TL, इसकी कमजोरी क्या है यार? अपाहजों से इसे बड़ी हमदर्दी है, कला और कलाकारों से इसे बड़ा प्रेम है, और हर शाम को ये सनसेट पॉइंट पे टहलने के लिए जाती है। एक बात सुन यार। गुरु बड़े घंटा लो। आई आई, तेरी लाल परी आई, जल्दी से तैयार हो जा। अबे चश्मा तो पहन। कौन कहेगा तू पैदाइशी अंधा है मेरे दोस्त? कौन यकीन करेगा कि हूबहू इन नजारों की तस्वीर एक अंधा इसे कैनवस पे उतार सकता है? नहीं नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा जब तक वो खुद अपनी आंखों से ना देखे। Unbelievable, excellent. You are superb man, superb. Look at this. Excellent, excellent man. कौन? किसने मुझे पुकारा? नहीं पहचाने घनश्याम, कल ही तो इन्होंने हमारे कॉलेज में दाखिला लिया है। सुना है कला की बहुत बड़ी पार्की है ये। अपनी रूपा जी हैं। आप मेरा नाम जानते? मैं हर नाम को जानता हूँ, सतनाम को जानता हूँ, गुरनाम को जानता हूँ। फिर तो आप मेरा नाम भी जानते होंगे। जी हाँ, संगीता। और आपका नाम? अजरुद्दीन। What? मेरा मतलब है कि कॉलेज में मेरा नाम तरक्की लाल है। मेरा घनश्याम तरक्की करे, इसी में मेरी तरक्की है। घनश्याम छोटा सा था जब लालटेन की रोशनी में उसे किताबें पढ़ पढ़ कर मैं सुनाया करता था। ये एक बार किसी चैप्टर को सुन ले, उसके पेज नंबर खुद ब खुद इसे याद हो जाते हैं। ऐसी तस्वीर मैं कैमरा लेकर भी नहीं खींच सकता, और ये अंधा होकर उसे कैनवस पे उतार सकता है। क्या अंधा अंधा लगा रखा है, अंधा कहने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रूपा, क्या तुमने कभी कोयल को किसी पे नाराज होते हुए सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो कोकिल कंठी, तुम पे ये नाराजगी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हारे रूप के अनुरूप नाम रखा है रूपा। आज मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? जब आप देख ही नहीं सकते फिर एग्जैक्टली नेचर की तस्वीर आप इतनी अच्छी कैसे बना लेते हैं? मैं तन से अंधा हूँ और ये संसार तो मन से अंधा है। मन की आंखें खोल के दुनिया को देखो तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। आप मेरी भी एक तस्वीर बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसकी आप इजाजत नहीं देंगी। किस बात की इजाजत? मुझे आपको एक बार छू के देखना होगा। आओ आओ। बस बस, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में बस गई है, कल कैनवस पे देख लेना रूपा। ये रेशम जैसे बाल, इन जुल्फों को देख के तो बादल भी शर्मा जाते हैं। सुबह की लाली लेके आए हुए ये गाल, जब मैं इन्हें चूमूंगा तो ये और भी लाल हो जाएंगे। ये सुराहीदार गर्दन, वाह, जाने मान। अबे क्या कर रहे तू घनश्याम? वो कहां गई? अबे घनश्याम के बच्चे होश में आ। क्या हुआ भैया? कौन आया था तेरे ख्वाबों में? कहां खो गया था तू? मैं इश्क के सागर में गोते लगा रहा था, प्यार का मोती तलाश कर रहा था भैया। अच्छा 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 अच्छा, तो ये हो रही है तेरे कॉलेज की पढ़ाई? अरे छोटे छोड़ ये सब लफड़े। क्यों ताने मारे हो भैया? खुद ने किया तो प्यार, घनश्याम ने किया तो लफड़ा। अरे आपकी सीट तो बचपन से रिजर्व्ड है भैया, अपनी तो एडवांस बुकिंग भी नहीं हुई है। यहाँ आपने बांसुरी बजाई और गीता दौड़ी चली आई और फिर राधा और श्याम का मिलन।
कैसी प्यास ये जगी, कैसी आग ये लगी, दिल ये रात दिन जले। हो मितवारे मित्रारे आजा, लगे जागने मैंने दिल, रख दिया मैंने जान, रख दी तेरे कदमों के तले। सुरेंद्रा धोखेबाज, मुझे लगता है मेरा प्यार सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। सोचने दे यार, जरा सोचने दे मुझे। अगर आज मुझे रूपा की पेंटिंग नहीं मिली ना, तो मैं जीते जी अपनी मौत को गले लगा लूंगा। कैसी बातें कर रहा है यार, सब्र कर। तू क्या सोचता है, तेरे दोस्त के पास सिर्फ ताकत है, दिमाग नहीं? देख मेरा जलवा। ये ले घनश्याम, तेरी मोहब्बत का परवाना। तुम एक आम इंसान नहीं, दुनिया के एट वंडर हो घनश्याम। मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगी और दुनिया को बताऊंगी कि देखो इतना बड़ा और महान कलाकार कैसे गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। गरीबी के साथ तो गुमनामी अपने आप जुड़ जाती है रूपा। पर अब तुम गरीब नहीं हो घनश्याम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अंधा हूँ इसीलिए अपनी अमीरी की चादर उड़ाकर मेरे अंदर के कलाकार को खरीदना चाहती हो? नहीं, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर खुद पे नाज हो रहा है घनश्याम। अच्छा रूपा, बोलो आज तुमने मेरा हाथ क्यों चूमा, क्यों मेरे अंदर के कलाकार के एहसास को जगाया? जानती हो शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। नहीं नहीं, ये मैं क्या कह गया, मुझे माफ कर देना। तुम अपनी तस्वीर ले जाओ रूपा और भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी। पानी भी बहुत ठंडा होगा। आओ तुम्हें स्विमिंग सिखाऊं। कम ऑन घनश्याम। अरे नहीं, नहीं, अरे आओ ना। अरे नहीं, नहीं, सिखाने के लिए तो लाई हूं तुम्हें। कम ऑन आओ। क्या आओ।
घनश्याम साहब आपके डैडी का फोन है। हाँ मैं अभी आती हूँ घनश्याम, मैं अभी आती हूँ, आगे मत जाना, पानी बहुत गहरा है, इसको पकड़ के रखो। हाँ आगे बिल्कुल मत जाना। ओके ओके ने मेरे बच्चे को बचाया, भगवान आपकी हर आरजू पूरी करे। हर आरजू। एक्सीलेंट मिस्टर धोखेबाज। रूपा खबरदार मेरा नाम भी मत लेना, अंधा बनने का नाटक किया तुमने मेरे साथ। रूपा वैसे भी प्यार में आदमी अंधा तो हो ही जाता है। ओ शट अप, भगवान तुम्हारी हर आरजू पूरी करेगा, एक आरजू छोड़ के वो है मुझे पाने की, एंड आई हेट यू। सुनो रूपा मेरी बात तो सुनो। रूपा अरे रुको। भाई साहब ये लड़की तुम्हें जरूर मिल जाएगी, तुम बस बॉलिंग करते रहो, किसी ना किसी बॉल पर ये क्लीन बॉल्ड हो जाएगी। अरे अभी तो मैं ही क्लीन बॉल्ड हो गया हूँ। आई एम क्लीन बॉल्ड, आई एम क्लीन बॉल्ड, आई एम क्लीन बॉल्ड। यू चीट, हाउ स्वीट। छोड़ो हाँ कर दो। Wrong number.
अपना हाथ जगन्नाथ अपना। ये 10 साल पुराना जूता किस खुशी में कबर्ड से निकाल के रिपेयर हो रहा है डैडी? अरे बेटी पहली खुशी बाजार से सिलवाता हूँ, चारा ने खा छोते। मैंने सोचा खुद ही सिल लेता हूँ, कम से कम 2 आने तो बचेंगे। दूसरी खुशी, मोंटी हमें आज लेने के लिए आ रहा है। तीसरी खुशी, मेरे पार्टनर भीम सिंह के बेटे मोंटी के साथ ही आज तेरा रिश्ता तय होने वाला है। मेरा तो खुशी के मारे दम फूला जा रहा है, दम फूला जा रहा है। मोंटी से रिश्ता करेगा आपका जूता। होने वाले दामाद का स्वागत यहाँ जूतों से होता है क्या? जूते को माफ कर देना बेटा, देखूं कहीं ज्यादा तो नहीं फट गया। हाय रूपा। हाय। अंकल मैं रूपा को लेकर घर जा रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी से आ जाइएगा। डैडी आज मैं नहीं जा सकती, मुझे तो 6 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है। देखो बेटी तुम अपने बाप का मरा मुंह देखोगी अगर अभी इसी वक्त इसी हालत में इसके साथ नहीं गई तो। बेटी मेरी लाली प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ अपने डैडी की बात को कभी नहीं काटती है। जा, अरे जाएगी मोंटी बेटा जाएगी, जा नहीं। जा, अरे जा 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 जा, जा, जा शाबाश जा, बाय। आज मैं पहली बार तुम्हारे घर जा रही हूँ। जरा सोचो मेरे इन कैजुअल कपड़ों को देख के तुम्हारे डैडी क्या सोचेंगे। सोच रही हूँ क्यों ना मार्केट से एक खूबसूरत सी ड्रेस खरीद लूं जिसे देख के सब खुश हो जाएंगे। व्हाई नॉट, जहाँ चाहो वहाँ से कपड़े खरीद लो। थैंक यू। आओ आओ रूपा, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ लेटेस्ट डिजाइन के आउटफिट्स। पहले तो मुझे एक आदमी को आउट करके एक ऐसी जगह फिट करना है कि फिर वो मेरे पीछे कभी ना आ सके। कौन है वो? वो जो वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा है ना, वहाँ उसकी सूरत से घिन है मुझे। और वो जोक की तरह मेरे पीछे चिपका हुआ है। रूपा तुम उसे गुड बाय करती हुई पिछले दरवाजे से निकल जाओ, ये सड़क के दूसरी तरफ खुलता है। आओ। थैंक यू थैंक्स। बच्चा जल्दी चलो नहीं तो वो गधे का बच्चा पीछे आ जाएगा। मोंटी बेटे आजकल के टुच्चों की काबिलियत यही है कि ये लोग गरीब होते हैं और अमीर बाप की बेटियों को फंसाने में ही इनकी तरक्की है। ये दहेज नहीं मांगते बल्कि लड़की के बाप की पूरी जायदाद चाहिए इन्हें। और माँ मुझे लेक्चर नहीं रूपा चाहिए। बेटे मैं भी रूपा के बारे में ही सोच रही हूँ। रूपा का बाप वो कंजूस है जो सोचता है कि दौलत जरूर उसके साथ ऊपर जाएगी। इसी रिश्ते में हमारी तरक्की है बेटे, इसी बरकत की बरगद की छांव में हमारा सुखी जीवन है। इसलिए रूपा की चिंता मुझे भी खाए जा रही है। चिंता चिता के समान होती है पुष्पा, और चिता तो उसकी जलनी चाहिए जिसने हमारे बेटे मोंटी की प्रेमिका का हरण किया है। और उसके मरण का दिन होगा होली। यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें दोस्ती और दुश्मनी दोनों पूरी तरह से निभाई जाती है। Yeah!
घनश्याम घनश्याम इन पुंजड़ों को उस जगह छोड़कर आओ जहां इनकी करतूतों की खबर इनके घर वालों तक पहुंच जाए। परेशान मत होइए, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर में चोट कुछ ज्यादा ही आ गई थी, खून बहुत बह रहा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद आराम मिल गया। गंभीर थी लेकिन इस वक्त अंडर कंट्रोल है। आप मोंटी मेरे बच्चे ये सब कैसे हुआ चिंतामणि? होली की बोली है जीजा जी, रंग और गुलाल उड़ाने के बजाय आपके बेटे का खून बहा दिया गया। कौन है वो जिसने ये हालत की है मेरे बेटे की? शरीफों के कॉलेज में पढ़ने वाले वो दोनों गुंडे जुड़वा भाई हैं, श्याम और घनश्याम। श्याम और घनश्याम। वो रहा सामने उसका घर। कहां है वो जनखों की औलादे? कहां दुबक कर छुप गए हैं वो पिल्ले जिन्होंने मेरे बेटे को बदहाल कर दिया है? भीम सिंह कहां है वो? तेरी तो किस्मत ही बदहाल है ठाकुर, तेरे जैसे हैवान के यहां इंसान तो जन्म ले ही नहीं सकता। तेरे गुंडों की फौज को मेरे शेरों ने उनके मकाम तक पहुंचा दिया है ठाकुर भीम सिंह। बहुत ऊंची आवाज में बात करती है तू और नाम भी जानती है मेरा और तेरा काम भी जानती हूं ठाकुर भीम सिंह। देख मेरे पति की तस्वीर और पहचान इसे।
सत्यदेव सिंह, इस सांप का फन तो मैंने बरसों पहले कुचल दिया था, पर अब इसके सपोले बचे हैं तो उनका कफन तैयार रखना। अपने पति की चिता तो तू नहीं देख पाई थी, पर अपने बेटों की अर्थियां जरूर देखेगी। तुम्हें कसम है कौशल्या की ठाकुर, उन दोनों बच्चों का खून तुम अपने हाथों से करना। कौशल्या मेरी पत्नी? हाँ ठाकुर, कौशल्या तुम्हारी धर्म पत्नी, कौशल्या तुम्हारी अर्धांगिनी, कौशल्या जिस चिता को तुमने आग लगाई थी ना ठाकुर, वो सरकारी गेस्ट हाउस की नौकरानी की थी। कौशल्या तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर गई, उसने अपनी कोख से एक बेटे को जन्म दिया और वो बच्चा वो मुझे सौंप गई थी ठाकुर भीम सिंह। श्याम और घनश्याम में से एक बेटा तुम्हारा है। ठाकुर साहब, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक तकरीबन 18 साल पहले यहीं के एक सिविल हॉस्पिटल में कौशल्या देवी, पति का नाम ठाकुर भीम सिंह, ने आत्महत्या की थी। कौशल्या देवी ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसे गंगा देवी, पति का नाम स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, अपने साथ ले गई। अब इतने सालों बाद ठाकुर साहब ये पता लगाना कि गंगा देवी कहां है, नामुमकिन है सर, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कौशल्या, तुमने ठाकुर भीम सिंह के खानदान को वारिस दे दिया। मैं जानता था कौशल्या कि एक बार भगवान मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुमने मुझे बेटा देकर अपना वचन निभाया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा कौशल्या। आ बेटा, अब जागे ही इस घर के भाग। बेटा पहले अपने देवता जैसे डैडी का आशीर्वाद ले ले। हाँ बेटा, इन्हीं की दया से तू पूरी काया लेकर अस्पताल से घर वापस लौटा है। जा, इनके चरण धोकर पी। हाँ। जा बेटा। डैडी, आज आखिरी आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद बेटे? वो श्याम घनश्याम, उन हरामजादों को मैं यमलोक अपने हाथों से पहुंचा कर रहा हूं। खामोश। खबरदार, जो श्याम और घनश्याम की तरफ तुमने आंख उठाने की भी जुर्रत की तो अब जो कुछ भी करना है मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। मां, श्याम और घनश्याम में से एक बेटा कौशल्या का है। ये राज मेरे शरीर के साथ ही चला जाता, पर उस दुष्ट से अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे सच बोलना पड़ा। मां, मुझे शक्ति दो मेरे बच्चों की रक्षा करना। मां, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मैं तुम्हें वचन देता हूं गंगा कि मेरी आंच कभी भी तुझ पर और तेरे बेटे पर नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इन दोनों में से मेरा बेटा कौन है। तू पहले मेरा सुहाग लौटा दे, बाद में अपने बेटे के लिए हाथ फैलाना। जो एक बार दुनिया से चला जाए उसे दोबारा लौटाकर नहीं लाया जा सकता, ये बात तू भी जानती है गंगा। एक माँ जिस बच्चे को अपना दूध पिलाती है उसे भी बांटा नहीं जा सकता। तो अपने पति की मौत का बदला तुम मुझसे इस तरह ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ तेरी इस काली परछे से अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। जितनी तहजीब से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ गंगा, उतनी ही लापरवाही से तुम मुझे जवाब दे रही हो। जब तक मेरे हाथ खाली हैं तब तक तो तुम सच्चाई छुपा सकती हो, लेकिन जिस वक्त मेरे हाथों में हथियार आ जाएंगे, उस वक्त रहस्य उस महिषासुर की तरह होगा। देख उधर।
मुझे मार नहीं सकते ठाकुर, वरना तुम्हारा बेटा कौन सा है ये राज मेरे साथ ही चला जाएगा, और मेरे बच्चों को छूने की बात तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोबारा बता देती हूँ, मेरे बच्चों में से एक बेटा तुम्हारा है। ठाकुर साहब, ये मोंटी के नाम आपके वसीयतनामे के असली दस्तावेज हैं। इसे आप कहां ले जा रहे हैं? अब इस वसीयतनामे को बदलने का वक्त आ गया है वकील साहब। क्यों, क्या बात हो गई? मोंटी से कोई गलती या भूल चुक हो गई? अरे नहीं नहीं वकील साहब, मोंटी को मैं तब भी प्यार करता था, अब भी प्यार करता हूं। दरअसल अपनी जायदाद का असली वारिस मुझे मिल गया है। यानी? मेरा अपना बेटा, कौशल्या का बेटा मुझे मिल गया है। कब, कहां? गंगा के दो बेटे श्याम और घनश्याम में से एक बेटा मेरा अपना है। ये पता चलते ही कि उन दोनों में से कौन सा मेरा अपना है, मैं उसे अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा। बड़ी खुशी हुई ठाकुर साहब, मुबारक हो। मुबारक तो तब दीजिएगा वकील साहब, जब आज मैं अपना खरा सिक्का ले आऊंगा और खोटा सिक्का छोड़ आऊंगा। वकील साहब, ये सब क्या हो गया? भैया आप दोनों को अंदर छुपाकर सच्चाई मैंने सुनवा दी। गंगा, ये है 10 करोड़ रुपए नकद। ऐसी ही कोई रकम जिसे बोलते बोलते तुम्हारी जुबान थक जाए, इस चेकबुक में भर लेना, और दुनिया के किसी भी शहर में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना। इसके एवज में मैं, अगर ये मेरे उजड़े हुए सिंदूर की कीमत है ठाकुर, तो दौलत क्या? तुम खुद को भी बेच दो तो सिंदूर क्या? उसकी लाली तक को नहीं पहचान पाओगे तुम। अगर तुम इस दौलत से मां खरीदना चाहते हो तो ले जाओ इसे अपनी मां के सामने और पूछो, क्या वो बेचेगी तुम्हें? जुबान को लगाम दो गंगा। तो क्या तुम रुपया लेकर बेटा खरीदने आए हो? हाँ हाँ गंगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम महज जज्बात में डूबी हुई हो, हकीकत से नावाकिफ हो। जिस दिन तुम्हारे बेटों को पता चल गया कि उनका बाप अरबोपति है, वो उन्हें बंगला, कार, गाड़ी, दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज मुहैया कर सकता है, उस दिन वो तुम्हारा आंचल झटक कर अपने बाप के सीने से आकर लग जाएंगे। जिस दिन माँ का दूध बाजार में बिकने लगेगा ठाकुर, उस दिन हर माँ को ये डर होगा कि दौलत के खातिर कहीं उसका बेटा उसका आंचल झटक ना दे। उठाओ इन कागज के टुकड़ों को और कभी इस दहलीज पर कदम नहीं रखना। किस बेटे की बात कर रहा था? कौन सा सौदा करने आया था यहां? मां तुम्हें यह खामोशी तोड़नी होगी कि किसका बेटा मांगने आया था। अब तुम दोनों थके थके से लग रहे हो, हाथ मुंह धोकर आराम करो। मैं कई दिनों से परेशान रहने के बावजूद तू हमारी बातों को टाल देती है, कभी मुस्कुराकर कभी बातों में बहलाकर, पर आज तू चाहकर भी हमारी बात को नहीं टाल पाएगी। मां हमारे घर में खड़ा होकर कौन से बेटे की बात करने आया था, और तेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मां मां सच्चाई जानने के हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तू हमें बता दे या फिर उस हरामखोर के हाथ पैर तोड़कर सच्चाई हम उगलवा लेंगे। हरगिज नहीं, मैं बताती हूं। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था। सच बात तो यह है कि उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी, और वो हत्यारा यही ठाकुर भीम सिंह है। हकीकत
सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद क्या हुआ वो आज मुझसे सुन लो। उठिए मत बहन जी, आपको दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है, डॉक्टर साहब ने आपको उठने को मना किया है, आप लेट जाइए। ये लो बहन अपना बच्चा। बहन कुछ सांसें भगवान से उधार मांगकर तुम्हारे चरणों में आई हूं। मैंने तो आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पुलिस में भी यही रिपोर्ट लिखाई थी, मगर तुमने मेरी जान बचाकर मेरे बेटे को जीवन दान दिया। उन्होंने मुझसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार किया, उनके पापों की सजा यही है कि मेरे बेटे को उनके काले साए से दूर रखना। इसी विश्वास से मैं इसे तुम्हारे पास सौंप रही हूं, इसे अपनी ममता के आंचल में पालना। वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे। इस तरह भगवान ने मेरी गोद में और एक बेटा डाल दिया, मैं श्याम और घनश्याम की मां बन गई। मैं ये राज तुम दोनों को कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज सच्चाई ने हमें इस वीराने में लाके खड़ा कर दिया है, जहां हम ये बात दुनिया से नहीं कह सकते घनश्याम कि हम दोनों भाई हैं। आज दिल में दरार की जगह कटीली दीवार खड़ी हो गई है, हम अपनी पहचान खो चुके हैं। एक और उस मां का बेटा खड़ा है जिसने उसकी कोख से जन्म लिया है, और दूसरी ओर उस हत्यारे भीम सिंह का बेटा जिसे इस दुनिया में ना रहने का हक है ना ही जीने का। मुझे तो शुरू से ही खटका था कि बाबूजी की मौत महज एक एक्सीडेंट पे नहीं हो सकती। आज मां ने सच्चाई बताकर मेरे विश्वास पर अपने भरोसे की मोहर लगा दी है, मेरे बाबूजी की बेरहमी से हत्या की गई। बाबूजी की मौत की बात दोहराकर तू मुझसे यह कहना चाहता है कि इस परिवार पे सिर्फ तेरा अधिकार है, मेरा कोई हक नहीं? रिश्तों का हक जताने से नहीं होता, निभाने से होता है। फिर तेरे जैसा खुदगर्ज इंसान छोटी छोटी बेईमानियां करने की शिक्षा उसे मां ने नहीं दी, उसने विरासत में पाई। मां कोई जागीर नहीं है जिसके लिए हक या अधिकार की बात की जाए, तेरे जैसा ओछा ये जुबान बोल सकता है। और बेटा होने की वकालत भी कोई नहीं करता, हवा में बातें करने से कोई बेटा नहीं बन जाता शाम। इस सच्चाई को सिर्फ वो औरत बता सकती है जिसने अपनी कोख से उसे जना हो। औरत? मेरी मां सिर्फ एक औरत है? मेरी मां का त्याग सिर्फ एक औरत का त्याग है? मेरी देवी जैसी मां को एक आम औरत का दर्जा सिर्फ तेरे जैसा घटिया इंसान ही दे सकता है। दुनिया की हर स्त्री देवी या मां का दर्जा पाने से पहले एक औरत ही होती है, और फिर वो चाहे किसी की भी मां हो, उसे औरत कहना ना तो कोई पाप है और ना ही अधर्म। तेरे जैसे अधर्मी के मुंह से धर्म की बातें पाप लगती हैं। हत्यारे का बेटा हत्यारे की जुबान ही बोलेगा। क्या एक दूसरे को मार डालने का इरादा है? क्या चाहते हो तुम लोग?
मां हम सच्चाई सुनना चाहते हैं। कौन सी सच्चाई? कि हम में से ठाकुर भीम सिंह का बेटा कौन है? कह दे मां, ये बदतमीजी ठाकुर भीम सिंह का बेटा है। मुझे गाली मत दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। एक हत्यारे का बेटा और कर भी कह सकता है? श्याम घनश्याम। श्याम घनश्याम। खबरदार खबरदार, एक दूसरे पर हाथ उठाया तो। मगर मां तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। सच्चाई? वो सच्चाई जिससे मैं कोसों दूर चली आई थी, आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊं कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है। देखो बच्चों, तुम लोग एक काम करो, मेरा सीना चीर दो, मेरे कलेजे के दो टुकड़े कर दो, फिर भी मेरे बच्चों तुम देख लेना, एक टुकड़े में से आवाज आएगी शाम और दूसरे टुकड़े में से आवाज आएगी घनश्याम। फिर भी तुम लोग सच्चाई सुनना चाहते हो ना? सुनाते हो, मगर एक बात ध्यान से सुन लो। सच्चाई सुनने के बाद क्या तुम अकेले जिंदगी गुजार सकोगे? बोलो, गुजार सकोगे? जिंदगी की राह पर अकेले चल सकोगे? तुम लोग क्या चल सकोगे? मैं बताती हूँ, सच्चे मैं बताती हूँ, सुनो। तुम दोनों में से मेरा बेटा। कभी भी मत बताना। माँ हमें माफ कर दो। माँ हमें माफ कर दो। माँ हम नहीं बचेंगे। पूछेंगे माँ, हम कभी भी नहीं पूछेंगे माँ। हम ऐसे ही जिएंगे माँ, हम ऐसे ही जिएंगे। हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सच है क्या झूठ, अपने हाथों से तेरा आंचल ना जाए झूठ। हमको क्या मालूम क्या सच है क्या झूठ, अपने हाथों से तेरा आंचल ना जाए झूठ। तेरे चरणों में अपने चारों ठाकुर भीम सिंह जिसकी वजह से हमारी मां को एक ज्वालामुखी बरसों अपने अंदर दबा कर रखना पड़ा। इस हवेली की दीवारें जो रंगी है ना, उसमें हमारे बाबूजी का खून मिला हुआ है। इसी ठाकुर भीम सिंह की वजह से मां ने दुखों के पहाड़ काट काट कर अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। और ये वही भीम सिंह है जिसकी वजह से पहली बार हम दोनों भाइयों के हाथ एक दूसरे पर उठे। आज वो ये नहीं जानता कि उसके घर में अब कभी भी ना थमने वाला तूफान यहां खड़ा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी बातों के रुख में जरा नरमी नजर आ रही है शाम। उस ठाकुर ने दौलत के लिए खून बहाया है ना, तो सबसे पहले हमें उसकी दौलत को बर्बाद करना होगा। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना, वो खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर जाता है। तो फिर ये नेक काम पहले मैं ही क्यों ना शुरू करूं शाम भैया? तू शुरू करे या मैं शुरू करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारी मंजिल एक है,
हमारा मकसद एक है। हमारी मंजिल है ठाकुर भीम सिंह के दरवाजे तक पहुंचना। हमारा मकसद है उसकी बर्बादी का तमाशा, उसकी बर्बादी का नजारा और उसकी बर्बादी का तमाशा। अरे शंकर, नमस्ते सर। ये ले। लाइए। अरे ये क्या, सन्यासियों के कपड़े पहनकर नाटक करने जा रहे हो? हम घर छोड़कर जा रहे हैं सन्यास लेने। वाह, दोनों एक ही सुर में बोल रहे हो। मोंटी के दिल को चोट लगी है। कहीं चोट है? चोट? किस बात की चोट? बचपन से लेकर जवानी तक मोंटी ने आपको अपने पिता के समान समझा, मगर मगर क्या? मगर अब आपको अपना बेटा मिल जाने से आपका प्यार बढ़ते हुए मोंटी देख नहीं सकता। देखो, तुम लोग भी पराए नहीं। अगर मेरा बेटा आ गया तो क्या हुआ? अरे मोंटी भी तो मेरा बेटा है, मेरी जायदाद पर इसका भी कुछ हक रहेगा। नहीं डैड, नहीं, मैं आपका दिल तोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं आपकी जिंदगी भर से। शाबाश बेटे, शाबाश, ये हुई ना बात। देखो पुष्पा, पिता और पुत्र का क्या मिलन है। भगवान करे किसी की नजर न लगे। ओए ओए, मैं गीता का बाप हूँ बेटा, और उसकी शादी की चिंता मुझे न रहेगी तो और किसे रहेगी? अगर आपको गीता की शादी करवाने की जल्दी है तो आप उसकी शादी कहीं और भी करवा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो जो तुमने सुना एक पिता का कहना था, अब जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारी होने वाली अर्धांगिनी कह रही है। अर्धांगिनी मीनिंग हर चीज का आधा आधा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख, समझे? और तुम्हारी इस मिशन में हमें भी 50-50 चाहिए। वाह गीता भाभी वाह, अ वुमन मस्ट हैव इक्वल राइट्स। समझ में नहीं आता माँ को कैसे समझाया जाए। आइडिया गुप्ता साहब, जिनके यहाँ तुम हमेशा टॉय सप्लाई करते हो, जिनका कारोबार दिल्ली बॉम्बे तक है, क्यों ना हम उनसे आइडिया ले लें? करेक्ट। गुप्ता जी को पटाने का काम मेरा है, और फिर देखना हम लोग माँ को कैसे मनाते हैं। माँ, आज तेरी पूजा सफल हुई। गुप्ता जी हमारे खिलौनों के कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई में इनके खिलौनों का बहुत बड़ा कारोबार है, कभी घनश्याम जाएगा कभी मैं। इधर हमारी छुट्टियां भी शुरू हो चुकी है माँ, और इन छुट्टियों में ही हम अपना काम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तू नहीं चाहेगी तो हम लोग नहीं जाएंगे माँ। अरे पागल, कौन सी माँ अपने बच्चों की तरक्की नहीं चाहती बता। माँ, हम तेरे सपने को साकार ही करने जा रहे हैं ना। अगर दो बार अलग अलग हम तुमसे आशीर्वाद लेने आए तो तुझे दो बार दुख होगा, इसलिए एक ही बार तू हमको आशीर्वाद दे दे माँ। मैं दो बार तेरा दुख नहीं देख सकता माँ। माँ दुर्गा, मेरे बेटों की मनोकामना पूरी करना। अरे अरे छोड़ो, ये मेरे डैडी का घर है। अरे चलो बाहर। अरे ये मेरा घर है, मेरे डैडी का घर है यार। अरे तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, एक मिनट, ये मेरे डैडी का घर है। डैडी, 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 मैं घनश्याम। मेरे बेटे घनश्याम। ए छोड़ दो इन्हें और तुम बाहर जाओ। जी सर। अच्छा सर, जाओ। मेरे बेटे, तू आ गया मेरा प्यार, मेरे दिल की तड़प, आखिर तुझे खींची लाई मेरे पास मेरे बेटे। डैडी, मैंने बड़ी मुश्किल से कसम देके सच्चाई उगलवाई है। कौशल्या माँ का बेटा मैं हूं, मैं ही आपका बेटा हूं डैडी। जीते रहो मेरे बच्चे। वो आ गया, आ गया वो। जीजी, मेरी जीजी का लल्ला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। भगवान ने मेरी गुदड़ी में तुझे से लाल को डाल ही दिया। मेरे गोपाल, आके मेरे गले लग जा मेरे लाल। ना बाबा ना, अगर मैं तुम्हारे गले लगूंगा तो मुझे बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे। खटखट कहीं का, अपनी मामी से मजाक करता है, बिल्कुल जीजी पे गया है। भाई मजा आ गया, बरसों के बाद इस हवेली में ठाके की आवाज गूंजी है। मगर साहब ये तो बताइए, आप लोग इतना हंस किस बात पे रहे हैं? आइए आइए दास जी, इनसे मिलिए, ये है मेरे इकलौते बेटे कुंवर घनश्याम भीम सिंह। मगर मेरी बेटी तो एक ही है, और यहाँ तो दो दो दबा नजर आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए दास जी,
आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे घनश्याम के साथ ही होगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। तुम लोग रिश्ते ही बनाते रहोगे कि मुझे अपने कौशल्या के पुत्र की छठी की रस्म भी पूरी करने दोगे? इत्तेफाक देखो जी, आज जन्माष्टमी है। अटो जी, आज से 18 साल पहले भांजे तूने जन्म लिया था, लेकिन रास लीला आज से शुरू होगी, वो भी धूमधाम से। शरीक तो हम सब होंगे अंकल, पर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें माँ के गुण ज्यादा है या पिताजी के? पॉइंट पॉइंट। मैं वारी जाऊं, हाय मर जाऊं। सबको पागल कर छोड़ा, हाय जुल्मी ने पागल कर छोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ पे पुत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मुझसा ऊंचा लंबा
आलीशान हवेली, ये लॉन, ये बगान सब तुम्हारे हैं बेटा। और इधर देखो, ये सब गाड़ियां भी तुम्हारी हैं, जो गाड़ी पसंद हो ले जाओ। और अगर कोई भी पसंद ना हो तो अपनी पसंद बता दो, फौरन इस दरवाजे पे खड़ी होगी। ड्राइविंग तो तुम जानते ही होगे बेटा। हाँ डैडी, बचपन में सीखी थी, सोचा था कि बड़ा होकर टैक्सी ड्राइवर बनूंगा। भीम सिंह का बेटा और टैक्सी ड्राइवर? हरगिज नहीं, ये सब गाड़ियां तुम्हारी है बेटा, और ये सब के सब ड्राइवर तुम्हारे नौकर हैं। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर लाए तो, समझे? जी मेरे बच्चे। आज तुम हमारी पसंद की गाड़ी लेकर जाओगे, ये गाड़ी आओ। बैठो जाओ। घनश्याम भैया का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? घनश्याम बेटे, ये सब क्या हुआ? मौत के मुंह से लौट कर आऊं डैडी, गाड़ी के लेग ब्रेक, हैंड ब्रेक सब फेल हो गए थे। ये तो आपका आशीर्वाद था जो मैं जिंदा बचकर आ गया। गाड़ियों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है मोंटी, फिर ऐसा कैसे हुआ? मैं नहीं जानता डैडी। शट अप। जो अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं जानता वो लापरवाह होता है, और लापरवाह आदमी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मोंटी भैया को मत डांटिए डैडी, ये तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी जो इतने में ही टल गई। मुझे बहुत डर लगता है, अब मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा। ड्राइविंग तुम क्यों करोगे बेटे? तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करेगा मोंटी, इसकी लापरवाही की यही सजा है। सिर्फ 5 लाख रुपया मांग रहा है ठाकुर भीम सिंह का बेटा। जी तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, दे दो। मेरा बाप ही नहीं है, क्या जाएगा उसका, दे दो। 80, 90, बस ठीक है। भांजे घनश्याम, ये लो, मुझे 5 लाख है। ऐसी गाड़ी ऐसी होती है, बड़ा मजा आ रहा है इसमें तो। ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय सामने देखना चाहिए, पीछे ट्रैफिक है। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। डैडी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, ये अंदर बाहर की बात है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अंकल अभी तो और शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग करनी है क्यों?
तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है डार्लिंग। कैसा दिलदार दामाद पाया है बेटी मैंने। किसी आंडू पांडू से शादी हो गई होती मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या होता। आप चिंता मत करो अंकल, आपकी फूल जैसी बच्ची को मैं अपने दिल के गुलदस्ते में सजा कर रखूंगा। मगर जरा संभल के दामाद जी, फूलों के साथ कुछ कांटे भी चिपकने की कोशिश करते हैं। कांटे की भलाई इसी में है डैड कि वो चुपचाप देखता रहे। अगर चुभने की कोशिश की तो मैं उसे कुचल के रख दूंगी। तुम बेफिक्र हो डार्लिंग, तुम्हारे रास्ते में एक भी कांटा नहीं आएगा। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, जितनी शॉपिंग करना है तुम करो। आफ्टर ऑल मैं जो हूँ जलने वाले जला करे। ये देखिए जीजा जी, 17,775 रुपए और 50 पैसे सिर्फ 7 दिनों में खर्च किए हैं भांजी घनश्याम ने। इस हिसाब से तो कुछ दिनों में पूरा भिखारी बना के छोड़ देगा मेरा दुलारा भांजा। इनकी बातों पे कान मत दीजिएगा जीजा जी। 45 लाख की गाड़ी टूट फूट गई। मैकेनिक के पास गए तो उसने कहा कि ये लोहा लक्कड़ किसी कबाड़ी के यहाँ बेचाओ। 45 रुपए किलो के हिसाब से गाड़ी बिक गई। हमें बुरा लगा क्या? नहीं। इनके भोलेपन से हमको क्यों बुरा लगेगा? बुरा कहीं जीजा जी को ना लग जाए कि हम इनको भड़का रहे हैं। क्यों जी? सच्चाई जानने के बाद मैं तुम लोगों पर क्यों भड़कूंगा पुष्पा? आखिर मेरा बेटा है और फिर ऐशो याशी तो हमारे खानदान का चलन है। पर जीजा जी चुप करो जी। जीजा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बड़े आदमियों के साथ रहकर ऐसी छोटी छोटी बातें करते हो। चलो चलो। तूने साबित कर दिया बेटे कि तू ही मेरा खून है। अगर किसी ईमानदार और घटिया आदमी की औलाद होता तो 5-5 रुपए जोड़कर बाप की झोली में डालता। गंगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस दिन मेरे बेटे को पता चल जाएगा कि उसका बाप अरबोपति है, उस दिन वो दौड़ कर आएगा और मेरे गले से लिपट जाएगा। माँ का दूध बाजार में बिकता है गंगा, अपनी जीत की खुशियां मैं तुम्हारे अलावा और किसके साथ बांट सकता हूं? मैं आपके लिए क्या लाया हूं? क्या है इसमें? आपके लिए ये सेक्सी मैक्सी। सुच्चा कहीं का। मामा जी ये आपके लिए असली टॉनिक। इसे खाकर आपको मुझे साबित करना पड़ेगा कि इस उम्र में भी आप मुझे एक नन्ना सा प्यारा सा मुमेरा भाई दे सकते हैं। मांजे घनश्याम, अगर ये मिलावटी ना हुआ ना तो मैं ये तुम्हारी मुराद जरूर पूरी कर दूंगा। जी बनाब मोंटी भैया आपके फौलादी जिस्म को देख के खिलौने तक बनने लग गए। ये रहा उसका नमूना। वेरी इंस्पायरिंग। वेलकम। और काका, ये आप सब लोगों के लिए। खुश रहो बेटे। डैडी, मैं आपके लिए बादाम, पिस्ता और मेवा लाया हूँ ताकि आपकी सेहत बनी रहे और आपकी उम्र लंबी हो। कहां से आ रहे हो तुम? डैडी आपने कहा था ना रूपा के लिए 20 लाख की अंगूठी। नहीं डैडी, डैडी मैं रूपा। कहां से आ रहे हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कहां से आ रहे हो तुम? मैंने कहा ना डैडी मैं रूपा के लिए। कहां से आ रहे हो तुम?
मैं बताता हूं ये कहां से आ रहा है बाबूजी, और अब तो आप भी जान चुके हैं कि इस बहरूपिये की असलियत क्या है। आप इस पर हाथ उठाकर क्यों अपने हाथों को सजा दे रहे हैं? पहले तो मुझे इस कमीने से एक एक दिन का हिसाब चुकाना है। हिसाब? कौन सा हिसाब? याद कर वो दिन घनश्याम, जब तू और तेरे साथी मुझे शिकार खेलने के लिए जंगल में ले गए थे। वहां तुम लोगों ने धोखे से मुझ पे हमला किया और समझा कि मैं मर चुका हूं। वो तो भला हो उन कबीले वालों का जिन्होंने 10 दिन तक मेरी मरहम पट्टी की और मुझे ठीक कर दिया। ठाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल लबा का कर सके चाहे जग सारा बैरी होए। जाका बैरी चैन से सोए ताके जीवन को धिक्कार, चैन ना पाए वो जीते जी जो ना सुन ले उसकी मरण पुकार। मैंने तुझे अधमरा जंगल में छोड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो तेरी लाश किसी शेर के मांग के बाहर फेंक देनी चाहिए थी, ताकि गीदड़ नोच नोच के खाते इस खानदान के वारिस को। मुझे वारिस नहीं बनना है किसी के खानदान का। मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पे, और लानत है तेरे जैसे भाई पर जो यहाँ बर्बादी, अय्याशी और खुदगर्जी के लिए हैवान से भी बदतर बन चुका है। मेरे खानदानी दुश्मन की औलाद, मेरा खून खून पर तेरा खून पानी हो चुका है, इसीलिए तो मेरा पोल खोलने के लिए आया है। वरना मैं इस पाप के महल को निस्त नाबूद कर देता और इस पापी को राख में मिला देता। मेरे बाबूजी को गाली देता है, आज इस चौकट से तेरी लाश उठेगी। लाशें तो दो निकलेंगी यहां से, एक तेरी और एक तेरे बाप की। अब ये सारी की सारी गोलियां मैं तेरे सीने में दाग दूंगा। नहीं नहीं श्याम बेटे, नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना। तूने पहली बार अपने घर में कदम रखा है मेरे बच्चे, मैं तेरे हाथ खून से रंगे हुए नहीं देख सकता। बाबूजी आपने उसे भागने क्यों दिया? क्योंकि मैं तुझे पाकर खोना नहीं चाहता मेरे बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मुझे पाने के लिए आपको सब कुछ खोना पड़ेगा बाबूजी, यह हवेली, गाड़ियां, दौलत, ये जायदाद, इन सब से नफरत है मुझे। इसी दौलत की वजह से मेरी मां ने अपनी जान दी, और यही दौलत एक दिन मोंटी भाई और मेरे बीच में एक ऐसी खाई बना देगी जिसे कभी ना पाटा जा सकेगा। मैं यहां सिर्फ एक शर्त पे रहूंगा बाबूजी, अगर आप ये सारी जायदाद की जिम्मेदारियां मोंटी भैया को दे दें। बोला बोला, मेरी कौशल्या का राम बोला। राम ने तो 14 वर्ष के बाद आकर भरत से गद्दी ले ली थी, पर तुमने 18 साल के बाद आकर पूरा राजपाट ही त्याग कर दिया। धन्य है, लिख दो इस युग का नया रामायण। आज राम से भी बढ़कर एक मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस घर में अवतार लिया है। बेटा, तुम्हारे इस बलिदान को दुनिया में कोई नहीं भुला सकेगा, कोई नहीं भुला सकेगा। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहूंगा बाबूजी। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा बेटे। आओ श्याम बेटे, तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाऊं। आओ। वेलकम। आओ श्याम बेटे, ये हमारा हेड ऑफिस है, आज से तुम ही इसके मालिक हो। ये कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस पर बैठे हुए देखकर तुम्हारी मां कौशल्या की आत्मा को शांति मिलेगी। मगर मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी बाबूजी, जब आप मेरी 2 शर्तें मंजूर करेंगे। शर्तें? अगर आप मेरी शर्तें मानेंगे तो ही मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। क्या है तुम्हारी शर्तें? पहली शर्त ये कि आप गंगा मां के बारे में कभी बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही उनके बारे में कभी बुरा सोचेंगे। ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। मेरी दूसरी शर्त यह है बाबूजी कि घनश्याम की हरकतों पे आप पर्दा डाल दीजिए। 18 साल तक मैंने उसे अपना छोटा भाई माना, तुम्हारी यह शर्त भी मुझे मंजूर है। थैंक यू बाबूजी। बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, 2 दिन के बाद वापस आऊंगा।
मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। ये अलमारी की चाबियां हैं, अलमारी के अंदर 2 करोड़ रुपए हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेना। हाँ? चलता हूं। अपना ध्यान रखना। जी बाबूजी। हेलो गंगा। बोलो ठाकुर, क्या बात है? वाह, मेरी आवाज पहचान गई। तुम्हें तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। अगर यही बात है तो आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मैं गंदगी से हमेशा दूर रहना पसंद करती हूँ। गंगा देखो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, काम की बात करो। घनश्याम को मेरा नकली बेटा बनाकर मुझे बर्बाद करने का जो तूने चक्रव्यूह रचा था ना, वो बुरी तरह से टूट गया। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे बेटे श्याम ने मुझे वक्त पर रोक दिया, वरना तू और तेरा बेटा घनश्याम दोनों सलाखों के पीछे होते। माँ, माँ, देख श्याम भैया शहर से आ गए। और माँ, इस बार भैया शहर में 7 दिन लगा के आए, और इस बार खिलौनों का बिजनेस इतना अच्छा हुआ कि मैं पहले तरक्की करके तू आया था, अब श्याम आया है। लेकिन माँ तू नहीं जा। हाँ, तूने हमको मारा माँ? जब बच्चे घर की मर्यादा छोड़ देते हैं तो माँ की ममता भी कठोर बन जाती है। लेकिन माँ हमने ऐसा क्या किया? बताओ कौन से काम की प्रमोशन करके आ रहे हो तुम लोग? माँ वो गुप्ता जी के खिलौनों का। झूठ मत बोलो मुझसे। माँ मैं पूछती हूँ, क्यों गए थे तुम लोग वहां? क्या जरूरत थी मौत के मुंह में जाने की? वो शैतान है शैतान। अगर तुम दोनों में से एक को भी कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ तेरे दो बेटे इतने शक्तिशाली हैं कि हमारी और तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। माँ उस ठाकुर ने हमारे बाबूजी की हत्या की है, तेरी सारी खुशियां छीनी है उसने। उसी ठाकुर की वजह से हमें अपने बाप का प्यार सिर्फ एक बेजान तस्वीर से मिलता रहा है। हकीकत में सिर्फ जुदाई मिली है माँ, सिर्फ जुदाई। हाँ माँ, हम उसको मिटा कर रहेंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। भूल जाओ उन सब बातों को। ये तू कह रही है माँ? तू जिसने बचपन से हमें गीता का पाठ पढ़ाया है। अन्याय करना पाप है माँ, लेकिन अन्याय सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। भगवत गीता की यही शिक्षा है ना माँ? माँ तू फिक्र मत कर, हमें कुछ भी नहीं होगा। तेरा आशीर्वाद जो हमारे साथ है माँ। ये सारी जमीन आपकी है, आज की तारीख में सोना है सोना। इसे बड़े ठाकुर ने बरसों पहले खरीदा था। नमस्कार छोटे मालिक। नमस्कार। ये लोग कौन है मैनेजर साहब? ये झोपड़पट्टी वाले हैं और पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं मालिक, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और बीमारों के लिए एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं मालिक। उसके लिए एक अर्जी है। तो तुम लोगों को करोड़ों की जमीन दान कर देंगे? अरे बड़े ठाकुर यहाँ 5-स्टार होटल बनवाना चाहते हैं और तुम लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनवा कर गंदगी फैलाना चाहते हो। मैनेजर जी, आपके कितने बच्चे हैं? 4। वाह, 1 या 2 के जमाने में 4 बच्चे जरूर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते होंगे। क्यों ना हम यहाँ पे एक इंग्लिश स्कूल खोलें? क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं, है ना? देखिए आपका काम नहीं हो सकता। अरे ये तो अपने बड़े सरकार जैसे ही निकले। ना बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है? आपके जाने के बाद मैंने कारोबार ऐसा चलाया बाबूजी। हाँ। जिसे देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अकेला भला क्या कर सकता था बाबूजी? मेरे तन मन के साथ अगर आपका धन नहीं होता ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। श्याम, कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो लाख का 12,000 कर देते हैं, और कुछ तुम्हारे जैसे बेटे होते हैं जो अपने बाप की दौलत को 100 गुना बढ़ा देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। चलो ऑफिस की तरफ ले लो। ऑफिस तो हम जाएंगे ही बाबूजी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ
जहाँ का माहौल देखकर आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। तो चलो। ठाकुर भीम सिंह, 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 भीम सिंह, भीम सिंह। ये सब क्या है श्याम बेटा? गरीबों के दिलों में आपके प्रति श्रद्धा है बाबूजी, आइए। चलो चलो चलो, माला पहन के ठाकुर साहब आइए, आइए ठाकुर साहब, बस हम आपकी का इंतजार कर रहे थे। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अब बस अब आ गए हम लोग, धन्य हो गए ठाकुर साहब। आइए आप सचमुच इंसान नहीं देवता है, वरना हम गरीबों के बारे में आजकल कौन सोचता है। हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। जिनका हमें इंतजार था वो हमारे बीच पधार चुके हैं, तालियां। भीम सिंह जिंदाबाद, भीम सिंह जिंदाबाद, भीम सिंह जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इतनी महंगी जमीन जिस पे 5-स्टार होटल बनाने का प्लान था, आपके दयालु हृदय श्री ठाकुर भीम सिंह ने आप लोगों के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और मकान बनाने के लिए दे दिए हैं, तालियां। सत्रह करोड़ की जमीन को सिर्फ 17 लाख में दे देना सिर्फ ठाकुर भीम सिंह जैसी विशाल हस्ती ही कर सकती है। ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह। हम झोपड़पट्टी वाले ठाकुर साहब की जुबान से 2 लफ्ज सुनना चाहते हैं। ठाकुर भीम सिंह सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं, तालियां। 17 करोड़ की जमीन 17 लाख में ठाकुर साहब ने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं दी। ठाकुर भीम सिंह सिर्फ गरजने वाले नहीं, बरसने वाले बादल हैं, बरसने वाले। ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह। बाबूजी, मेरी 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 बात तो सुनिए बाबूजी। अब बाबूजी, उठ जाओ बाबूजी। छोड़ दो मुझे, आपका कोट ही तो उतार रहा हूँ। अरे कोट तो क्या, तूने तो भरे बाजार में मेरे सारे कपड़े उतार दिए बाबूजी। 17 करोड़ की जमीन 17 लाख में बेचकर तूने मुझे 17 कौड़ी का नहीं छोड़ा। बाबूजी, अगर उस जमीन पे गरीबों के घर बनेंगे तो उनकी दुआओं से आपके 17 जन्म के पाप धुल जाएंगे बाबूजी। अरे तू मेरी बर्बादी चाहता है या मेरी आबादी? आपकी आबादी बाबूजी। मेरी आबादी? उस गंगा के पास से जो भी पट्टी पढ़ के आता है ना, वो मुझे आबाद करने के बजाय चूना लगा के चला जाता है। नहीं बाबूजी, ये आपका वहम है। पुराने जमाने में अपने पुरखों के पाप धोने के लिए भागीरथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा को लाया था। मैं अपने बाप के पाप धोने के लिए गंगा के घर से आया। तू मेरा खून है या उस गंगा के आदर्शों का सड़ा हुआ पानी है? गंगा का पानी पवित्र होता है बाबूजी। हो सकता है कि मेरी रगों में आपका खून बह रहा है, लेकिन उसी गंगा के आदर्श मेरी आत्मा में है। शरीर मर जाता है बाबूजी, मगर आत्मा नहीं मरती। आज फैसला होके ही रहेगा। कैसा फैसला? कि आप बेटा चाहते हैं या दौलत। अगर दौलत चाहते हैं तो बेटे को भूल जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो शाम? जो आप सुन रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नहीं शाम, बेटा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे। हाँ, मेरे पति एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे, बल्कि उनका खून ठाकुर भीम सिंह ने किया था, और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आपके पति ठाकुर रंगा और सुखा के एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे, बल्कि कलेक्टर भीम सिंह ने ही आपके पति का खून किया। लेकिन उस वक्त आपने कानून की मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि उस वक्त कानून के रक्षक कानून के भक्षक बने हुए थे, और मैं अकेली थी। आज मेरे 2 बेटे हैं। आपके बेटे घनश्याम ने 20 साल पुरानी फाइल खुलवा दी है, जिसकी मैं तारीफ करता हूं।
आप तो इस केस के चश्मदीद गवाह हैं ही। सीबीआई ऑफिसर शर्मा साहब भी अदालत में गवाही देने को तैयार हैं। अब कलेक्टर भीम सिंह को फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। जीजा जी, ये रही एक्सपोर्ट की। साहब क्या? पुलिस आई है। सर, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। वारंट? कैसा वारंट? 18 साल पहले सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह के कत्ल का इल्जाम आप पर है। ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया है? उनकी पत्नी गंगा और उनके बेटे घनश्याम ने। श्याम बेटे, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से आज ये मनहूस दिन मेरी जिंदगी में आया है। मैं तो उन्हें उसी वक्त खत्म करने वाला था, लेकिन अब भी मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलिए कलेक्टर साहब। चिंता में नहीं जी, मेरे बेटे शाम को फौरन खबर कर देना। जी। देखो, चलो। डैडी, अब तो बाजी शाम के हाथ में जाएगी। अरे, वो भी हाथ मलता रह जाएगा। आखिरी बाजी तो तेरे बाप चिंतामणि के हाथ में आएगी। गंगा माँ, ये रही आखिरी गड्डी। आधी दुकान तो दिखा चुका हूँ, अगर आपको इसमें से भी पसंद नहीं आई तो फिर मैं गांव चला। अरे ठहरो तो, ये देखो। नहीं नहीं, नहीं? नहीं। ये वाली नहीं। अरे माँ, मुझे ये वाली साड़ी पसंद है। ठीक है। हाँ, मुझे भी इसका रंग अच्छा लगा माँ। अच्छा लग रहा है इसका रंग। अच्छा ठीक है, कायदे से तो बड़ी बहू का हक पहले होता है ना। तो फिर माँ, मेरी पसंद और मेरी साड़ी रूपा को दे दो। ओह थैंक यू। माँ वो देखो। हाँ? माँ ये देख, जिस राक्षस को तू फांसी के फंदे पे लटकते हुए देखना चाहती थी वो कानून की गिरफ्त में आ चुका है। ये देखो उसकी तस्वीर। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मुझे बर्बाद तो तुमने किया बेटा, लेकिन फिर भी तुम यहां मुझे मिलने के लिए चले आए। खून का रिश्ता आखिर खींच कर ले ही आता है। नहीं ठाकुर साहब, मैं यहां आया जरूर हूं, लेकिन आपसे मिलने नहीं। आपको सिर्फ इतना एहसास दिलाने कि इंसान को उसकी करनी का फल यहीं भुगतना पड़ता है। श्याम, तू मेरा बेटा होकर। मत कहिए मुझे अपना बेटा। हमने सुना है कि हम दोनों में से कोई एक बदनसीबी से आपका बेटा है, और हम ये जानना भी नहीं चाहते कि वो कौन है। तो मुझे ये बताने के लिए तुम यहां आए हो। तुम नहीं जानते बेटा, जब तुम कौशल्या के पेट में थे तो मैंने मारे खुशी के सारी हवेली को जगमगाया था। उन दिनों कोई भी दिन ऐसा ना गया होगा जब हवेली में जश्न मनाए गए हो। वो जश्न आपने दूसरों के घरों में मातम करके मनाए थे। धिक्कार है हमारा आबाद होना जो किसी को बर्बाद करके हासिल हो। ये क्यों भूलते हो ठाकुर साहब कि हवेली में पैदा होने वाला बच्चा अगर 9 महीने का वक्त लेता है तो किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा भी उतना ही वक्त लेता है। शाम, तुम्हारी जिंदगी की शाम नजदीक आ चुकी है ठाकुर। याद करो वो दिन ठाकुर साहब, जब एक कलेक्टर की हैसियत से तुमने कितने लोगों के सहारे छीने थे। आज उन्हीं की बद्दुआओं की वजह से तुम अपनों के सामने होकर भी एक बेसहारा होकर खड़े। किसी के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने वाला कभी खुद के परिवार का सुख नहीं भोग सकता। एक बात और, ये जानते हुए भी कि हम दोनों में से एक तुम्हारा बेटा है, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम दोनों अपनी मां के बेटे हैं, सिर्फ अपनी मां के।
अखियां मटकांदी है कोठे ते बुलांदी है सोए ना सोने दे सारी रात जगांदी है आंदी जांदी मुझे सतांदी मुझे मटांदी है आंदी है जांदी है आंदी है जांदी है आंदी जांदी है We'll be right back.
आपको कमिश्नर साहब के यहाँ चलना होगा। चलो। ये आप लोग कहाँ लेकर आए हैं मुझे? कानूनन हादसा जहाँ होता है मैडम, आजकल केस भी वहीं लड़ा जाता है। चौंक गई मुझे देखकर। तूने और तेरे बेटों ने तो सोचा होगा कि मैं हवालात में हूँ और बहुत जल्द फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा। भीम सिंह, तेरे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय किसका नजदीक आया है इसका पता तो अब चलेगा। गंगा, बांधो इस औरत को। खबरदार, जो किसी ने हमारी मां की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अच्छा हुआ तुम दोनों भी यहां आ गए। हम अपनी मां को बचाने आए हैं। नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच लाई है। जरा अपने इर्द गिर्द देखो। ठाकुर, 100 कुत्ते पालने से कोई शेर नहीं बन जाता। हम तुम्हारा घमंड मिटाने आए ठाकुर। गंगा, इन्हें समझा दे। हाँ ठाकुर, ये तो तुम्हें समझाने आए हैं। देख गंगा, मेरा एक इशारा काफी है, गोलियों की बौछार हो जाएगी। सुन ठाकुर, आज तेरी गोलियों का जवाब देने के लिए मेरे पास 2 बारूद के ढेर हैं, शाम और घनश्याम। गंगा, हमारी माँ का नाम इज्जत से ले ठाकुर, जान से मार डालेंगे। ठंडे हो गए गंगा, अब देखना मैं इन दोनों का क्या हशर करता हूं। मैंने कहा था जिस वक्त ये हथियार मेरे हाथ में आ जाएंगे उस वक्त तुझे सच्चाई उगलनी पड़ेगी। घनश्याम ने तो सिर्फ मेरे रुपए ही बर्बाद किए हैं, पर श्याम ने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। गंगा, तूने ठीक कहा था, मुझे इन दोनों को अपने ही हाथों से मार देना चाहिए। एक बाप के सामने बेटा होने का नाटक करके उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तुमने। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जिसने अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। चलाओ चलाओ गोली, गोली चलाओ। चलाते क्यों नहीं? हाँ हाँ, मैं नहीं चला सकता, नहीं मार सकता, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तुझ पर तरस आता है भीम सिंह, क्योंकि तेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं। रास्ता है गंगा, दूसरा रास्ता। मैं तेरी जान तो ले सकता हूँ। तूने अपने दूध में जहर मिलाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया। तुझे कबूल करना पड़ेगा कि अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तेरी ये साजिश थी। ममता की आड़ में तूने बेटे को बाप का दुश्मन बना दिया। माँ कभी अपने बेटे के खून में जहर नहीं मिलाती। माँ को तूने समझाई कब है? माँ इस एक शब्द में दुनिया की शान है। माँ के दूध में अमृत होता है, सिर्फ अमृत।
अरे अरे देख तो मोंटी, बेचारे जीजा जी, अरे क्या हालत बना दी है आपकी, हाय हाय। और फिर जीजा जी, आपकी जायदाद को संभालने के लिए हम जो बैठे हैं। अपना बोझ तो उठा नहीं सकता तू, मेरी जायदाद का बोझ क्या उठाएगा? बोझ उठाने के लिए तो मेरा बेटा मोंटी जो है जीजा जी, और फिर वसीयत नामा तो आपने पहले ही उसके नाम कर दिया था। वो वसीयत नामा तो मैंने फाड़ दिया था। जो आपने फाड़ दिया था वो नकली था, और असली वसीयत नामा हमारे पास है। मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे आप मुझे क्या मारेंगे ठाकुर साहब, या ये जो जितने लोग हैं जो कभी आपके थे, आज उनके एक एक के दिल पर चिंतामणि की हुकूमत है। देखते क्या हो, तुम डालो इन सबको। ठाकुर साहब, कल तक मैं आपका बेटा था, और ये सारे आदमी, ये आपके सारे आदमी अब मेरा साथ देंगे, मेरा। हाँ ठाकुर साहब, अब तो मैं मोंटी का हक उसे दिलाकर ही रहूंगा। चिंतामणि, तेरी ये मजाक। नहीं, अब बता गंगा, इनमें से तेरा बेटा कौन सा है और ठाकुर का बेटा कौन सा? देख गंगा, हमारी दुश्मनी तेरे साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी तो इस ठाकुर और इसकी उस औलाद से है जिसकी रगों में इसका खून बह रहा है और जो इसकी जायदाद का वारिस बनने वाला है। मुझे सिर्फ ठाकुर का बेटा चाहिए, सिर्फ ठाकुर का बेटा। यही गोली गंगा तेरे बेटों के सीने में भी गुजर सकती थी। गंगा बता। नहीं। बता गंगा बता, इन दोनों में से कौन सा तेरा बेटा है, वरना मैं इन दोनों को ही गोली मार देता हूँ। माँ तू कहते कि मैं ही ठाकुर का बेटा हूँ। नहीं माँ, कहते ठाकुर का असली बेटा मैं हूँ। तेरे कहने से क्या होता है, तू इसकी बात नहीं सुन। माँ नहीं, कहते माँ कि मैं ही ठाकुर का बेटा हूँ, ये मेरी जान बचाना चाहता है इसलिए ऐसा कह रहा है। कहते ठाकुर का बेटा मैं हूँ। नहीं माँ, तू कहते कि मैं ही बेटा हूँ ठाकुर का। माँ तुझे मेरी कसम है, शाम की जान बचा ले। माँ माँ तू तू घनश्याम की जान बचा ले। माँ तू मेरी परवाह मत कर। माँ नहीं माँ, मुझे मर जाने दे। माँ सच बोलू या झूठ, दिल पे चले फटा कट जाएगा मेरा कलेजा, कट जाएगा प्यार। सच बोलू या झूठ, दिल पे चले फटा कट जाएगा। पुष्पा, मोंटी बेटे, तुमने इनको मारा क्यों नहीं? माँ बस ये अब कुछ ही पल के मेहमान हैं। बोल गंगा, मैं भीम सिंह के बेटे को मारना चाहता हूँ। रामजादे, we'll be right back।
ये ले। ये तो सिर्फ चांदी है। नहीं तो क्या थाली। जो वचन मैंने दिया था वो मैंने पूरा किया। आज मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूं। शाम तुम ही इनके बेटे हो। शाम इनकी हर चीज के वारिस। ए गंगा जल लो शाम। हाँ शाम। Ah!
छोटे मालिक, जिस तरह हमने बड़े मालिक ठाकुर साहब की सेवा की थी, अब आप ही हमारे नए मालिक हैं। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। श्याम बाबू, श्याम बाबू, श्याम बाबू। तेरे आंसू पोछने आए हूं मां, ये क्या तेरे आंसू पोछेगा, ये तो खुद रो रहा है। मां मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया है, सारी जिम्मेदारियां निभाई है मैंने, कौशल्या मां के नाम पे मैंने सारी जायदाद का ट्रस्ट कर दिया है मां, मगर मां तुम दोनों के बगैर मैं ये जिंदगी का सफर नहीं गुजार पाऊंगा मां, नहीं गुजार पाऊंगा। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। हम दोनों हैं एक से, अच्छा भैया, अलग हो कैसे ना, हम दोनों हैं एक से, अलग हो कैसे ना। इसीलिए सब कहते हैं हमेशा मदन श्याम।